हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इज नल और नॉट नल के बारे में। ये दोनों क्या होता है, उसका यूज कब कब करते हैं हम लोग और क्या इसका मतलब होता है। और हम उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे इन और बिटवीन का क्या मतलब होता है, हम लोग कब इन और बिटवीन यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं इज नल और नॉट नल का बात करूँ, तो ये मेरा कोई टेबल है स्टूडेंट। तो ऐसा कभी कभी सिनेरियो आता होगा कि उसमें कोई फील्ड नल रहते होंगे, मतलब कोई मान लीजिए ऐसा कोई मतलब ऐसा आप मान लीजिए कोई सर्वे ले रहे हैं। तो सर्वे ले रहे हैं तो आप जानते हैं कोई कोई आदमी अपना कुछ मतलब परिचय नहीं देना चाहता है, कुछ जानकारी नहीं देना चाहता है। तो उस फील्ड में क्या होता है, वो डेटाबेस में नल आता है। तो आप चाहते हैं वैसा नल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ मेरा नेम नाम का फील्ड है, उसमें दो नल वैल्यू है मेरा। तो हम चाहते हैं वो यहाँ, तो मैं दो नल वैल्यू तो मैं ऐसे पता कर लूंगा या दो है, पर डेटाबेस में बहुत डेटा होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है। तो वहाँ केस में हम लोग एक एक डेटा को देख के नहीं पता कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इज नल का यूज करते हैं। इज नल क्या होता है, वो वैसा वैल्यू रिटर्न करता है जो कि नल है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक करूं, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ वेयर नेम इज नल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, वो वैसा फील्ड रिटर्न करेगा जो कि नल होगा। देखिए जैसे यहाँ पे चेक कर रहा है, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ देखिए ये वैसा फील्ड रिटर्न किया क्योंकि यहाँ मैंने नेम कॉलम पे लगाया, नेम दिया था नेम, तो नेम में चेक किया वैसा कौन सा नाम है जो कि इज नल है, तो जो भी नाम नल हुआ उसको रिटर्न कर दिया। उसी तरह नॉट नल क्या है, यहाँ पे नॉट नल, नॉट नल वो रिटर्न करेगा जो कि नल नहीं होगा। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ इसको, तो इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज नॉट नल, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो वैसा वैसा फील्ड आया जो कि जिसका नाम मतलब वैसा फील्ड आया जो कि नल नहीं है जिसका जिसके नाम में। तो यहाँ देखिए जो दो नल था यहाँ पे गायब हो चुका है, वही अगर मैं यहाँ पे इज नल करता हूँ तो क्या आता है, वो आ जाता है वहां पे नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यही है इज नल और नॉट नल। तो मैं कहता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन और बिटवीन कीवर्ड क्या होता है एसक्यूएल क्वेरी में। तो मान लीजिए सेलेक्ट स्टार, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट लिखूं, और हमको यहाँ पे वैसा मतलब बच्चा का डिटेल चाहिए जिसका मार्क्स या तो 45 हो, या तो 23 हो, या तो 56 हो, या तो क्या हो 45 हो, या तो 23 हो, या तो 56 हो, मतलब हमको वही सब डिटेल चाहिए जिसका मार्क्स ये इन तीनों में हो। तो यहाँ पे आप और लगा सकते हैं, यहाँ पे और एक तरह एक क्या हो सकता है, आप यहाँ पे सब सब नाम के आगे और लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं मार्क्स इक्वल्स टू इतना, फिर और फिर यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल्स टू इतना, एक तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। पर इस सब का एक अच्छा तरीका क्या है, ये इन कीवर्ड। इन कीवर्ड से क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन डेटा है, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में करता हूँ, उसके बाद वह मार्क्स इन इतना, मतलब ये चेक करेगा अगर मार्क्स इन तीनों में होगा। मतलब यहाँ पे आप कितना भी डिटेल लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे आप सब क्वेरी भी लिख सकते हैं। सब क्वेरी अभी क्या होता है, आपको अगर पता है तो मैं बता दूंगा एक, तो पहले ये जान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसा चीज मतलब लिख सकते हैं वैल्यू, तो ये क्या होगा, वैसा रिटर्न करेगा जिसका मार्क्स इन तीनों में होगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए या तो मार्क्स 45 है, या तो 23 है, या तो 56 है। अब देखिए वही सब स्टूडेंट का यहाँ पे आया है, मतलब यही थी, ऐसे ही हम लोग इन का यूज करते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में कोई भी, या इन तीनों में नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखिएगा उस सब में से ही कोई आएगा, ठीक है। चलिए अब एक सब क्वेरी लेके मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा सब क्वेरी। तो यहाँ पे एक सब क्वेरी लेके बता देता हूँ आप लोग को, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन, उसके बाद यहाँ पे आपको सब क्वेरी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, वैसा बच्चा कर लेंगे जो कि मेल होगा पहले, ठीक है। तो हम पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे मेल, यहाँ पे सब मेल ही है तो यहाँ पे तो सब आ जाएगा। या पहले मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ इतना दूर को कि, तो यहाँ पे पहले हम एक सब क्वेरी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, वेयर पहले तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे देखिए ये पहले ये क्वेरी चलेगा, पहले सब क्वेरी में ही होता है, पहले ये क्वेरी चलेगा और ये पहले देखेगा कहाँ कहाँ जेंडर मेल है। तो जेंडर जो मेल होगा उसका मार्क्स ये यहाँ पे लिख लेगा,
ठीक है, उसका मार्क्स ये यहाँ पे लिख लेगा। जैसे मान लीजिए ये 40.40, एक आएगा 45.23, एक आएगा ये, एक आएगा, जो जो मार्क्स मेल होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इन में वो सब वैल्यू आ जाएगा इस ब्रैकेट में। फिर इसको जब एग्जीक्यूट कीजिएगा तो उसके बाद वही सब वैल्यू आएगा। पहले तो इसमें सब आ जाएगा हमको लगता है, क्योंकि ये जैसे मैं यहाँ पे एफ करता हूँ एक बार, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एफ में आप देखिएगा, मेरा यहाँ पे एफ में जो जो है 34 है, 24 है, 24 है, जो जो है वही आएगा। जैसे इन में पहले ये चला, ये चलने के बाद एफ का जो जो वैल्यू होगा वो आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एफ में 34 था, तो ये भी देखिए 34 आएगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको पहले मैं चला देता हूँ इतना दूर। तो इसमें क्या आता है देखिए, इसमें देखिए ये सब आ रहा है 54 24 45 24 24 89 34। तो ये इस पूरा ये जो रिप्लेस हो जाएगा इस सबसे, मतलब यहाँ पे जो 45, 23, 56 है वैसे यहाँ पे हो जाएगा 56, 24, 45। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये चल जाएगा। तो यही होता है इन 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 कीवर्ड, ऐसे हम लोग इनका यूज करते हैं। उसके बाद एक बिटवीन है, ठीक है। तो बिटवीन से क्या करते हैं हम लोग, रेंज देते हैं। मतलब रेंज मतलब देखिए क्या हुआ, जैसे मैं इसको एक बार रन करूँ, इसको रन करके मैं टोटल स्टूडेंट का डिटेल एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट वेयर मार्क्स, यहाँ पे भी मार्क्स पे कंडीशन लगाते हैं, वेयर मार्क्स बिटवीन, हम यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन यहाँ पे आप दो रेंज दीजिए, रेंज मतलब 45 से लेके मैं चाहता हूँ 75 तक। तो ये रेंज के बीच में जो भी मतलब डेटा होगा वो आ जाएगा 45 से 75, और यहाँ पे 45 और 75 इंक्लूडेड वैल्यू होता है, मतलब ये दो भी काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा वही सब वैल्यू यहाँ पे मार्क्स है जो कि 45 से 75 के बीच में है, उसके अलावा सारा वैल्यू यहाँ से हट चुका है। ऐसे ही आप लोग बिटवीन की मदद से कोई रेंज लगाते हैं। इन भी आप लोग को समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेम सॉरी इन कीबोर्ड के बारे में, बिटवीन कीबोर्ड के बारे में, नॉट नल इज और इज नल क्या होता है, नॉट नल क्या होता है। तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।